वंदे मातरम दोस्तों, अमेजिंग साइंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म और ओवम का मिलने का जो प्रोसेस होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के आगे जब वो मिलने के बाद जब जायगोट बनेगा और जायगोट बनने के बाद जब एम्ब्रियो में वो डेवलप होने स्टार्ट होगा और वो यूटेरस में आके इम्प्लांट हो जाएगा, वहाँ के जम जाएगा, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस में ये कैसे होगा लाइन टू लाइन हम डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन हम डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ न्यू टर्म्स आएंगे वो भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग कैपिलेशन क्वाइटस या फिर इंटरकोस सीमन इज रिलीज्ड बाई द पेनिस इन टू द वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर कपिलेशन या इंटरकोस के समय पेनिस जब स्पर्म रिलीज करता है तो वो वेजाइना में क्या करता है, इंटर करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विमिंग रिपेयरली पास थ्रू द सर्विक्स इंटर इनटू द यूटेरस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, या इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो जो स्पर्म होता है, मोटाइल स्पर्म होता है, वो स्विमिंग करते हुए, रिपीटली स्विमिंग करते हुए वेजाइना से इंटर करने के बाद वो सर्विक्स से होते हुए वो यूटेरस में जाएगा, और यूटेरस से आगे फाइनली वो एम्पुलरी रीजन जो होता है वो होता है फेलोपियन ट्यूब का, वहाँ वो इंटर करेगा। द ओवम रिलीज्ड बाई द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और उसी समय ओवरी से भी क्या होता है, ओवम जब रिलीज हो जाएगा और रिलीज होने के बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किधर, एम्पुलरी रीजन पे। और दोनों जब ओवम और स्पर्म एम्पुलरी रीजन पे पहुंच जाते हैं, एम्पुलरी रीजन फेलोपियन ट्यूब के पार्ट होता है, तो एम्पुलरी रीजन में पहुंचने के बाद फिर वहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड सिमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। तो जो ओवम और स्पर्म है अगर वो ट्रांसपोर्ट होगा एक ही समय में, अगर एम्पुलरी रीजन पे आएगा तभी ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो पॉसिबल है, हो सकता है। दिस इज द रीज़न वाई नॉट द ऑल कपिलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही एक रीज़न है कि जो जितने भी जो कपिलेशन होते हैं वो फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि जब दोनों एक जब कपिलेशन कितने बार भी हो, क्वाइटस कितने बार भी हो, लेकिन जब ओवम और जो स्पर्म है एक ही समय में अगर वो आएगा तभी फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये फ्यूजन होगा, फ्यूजन का मतलब मिलना। तो एक प्रोसेस है जो स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होगा, मिलेगा, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोनोपलिसिडल लेयर ऑफ द ओवम। तो ओवम का जो एक लेयर होता है जोनोपलिसिडा, उस लेयर से आके स्पर्म है उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, और कॉन्टेक्ट में आने के बाद एन इंड्यूस्ड चेंज इन द मेम्ब्रेन द ब्लॉक द एंट्री एडिशनल स्पर्म दस इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। क्योंकि वो जैसे ही जो जोनोपलिसिडा है वो इंटर करने देगा एक ही स्पर्म को, और बाकी स्पर्म के लिए इसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ओवम का डायग्राम है ना, सिंगल ओवम होता है और इसमें आपस क्या है, जोनोपलिसिडा का एक लेयर है, वो जोनोपलिसिडा का जो लेयर से यहाँ से क्या करेगा, क्रॉस करेगा और बाकी स्पर्म के लिए इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर इन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जेनोपेलिसुडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आगे जब ये स्पर्म है उसके एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो एंजाइम को सिक्रेट करेगा, और सिक्रेट करेगा तो जेनोपेलिसुडा का जो मेम्ब्रेन होगा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसको क्या करेगा, उसको थोड़ा सा ब्रेक करके वहाँ से इंटर करेगा, और वापस फिर जोनोपलिसिडा है वो वापस क्या करता है, वो रिकवर होकर उसको तुरंत ही क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। इसी प्रकार जो ओवम में है वो सिंगल स्पर्म ही क्या कर सकता है, इंटर कर सकता है ना। तो ये है उसके आगे फिर द इंड्यूस द कंप्रेशन ऑफ द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट। द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो
तो इसमें आगे जो प्रोसेस होगा मियोटिक डिवीज़न, वो सेकेंडरी साइड में क्या चेंज होगा, सेकेंडरी जब सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा तो वो अनइक्वल फॉर्म में क्या होता है, डिवाइड होता है। उसका रिजल्ट अगर आप देखें, देखने को मिलेगा आपको कि एक ओवम बनाता है और सेकेंड जो होता है वो क्या बनाएगा, वो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगा, है ना। मतलब एक हेप्लॉइड ओवम बना लेता है जिसको ओटिड बोलते हैं, और जो सेकेंड होता है वो सेकेंडरी पोलर बॉडी बना लेता है। सून द हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट द ऑफ द ओवम फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जायगोट। तो जो हेप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म होता है और हेप्लॉइड ओवम होता है वो फ्यूज होकर क्या करना होता है, हेप्लॉइड हेप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जो क्रोमोसोम नंबर था वो हाफ हाफ था, वो आके क्या हो गया, वो कवर हो गया। तो यहाँ पास एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन दिस जायगोट। तो 23 23 दोनों से हाफ हाफ आया, तो जायगोट में टोटल जो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, वो 46 हो जाएंगे। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इट्सेल्फ। तो आपको पता है कि जो बेबी का जो सेक्स होता है वो इसी स्टेज में खुद से इट्सेल्फ वो डिसाइड होता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का पैटर्न ही क्या करता है, डिसाइड करता है। लेट अस सी हाउ, एज यू नो दैट क्रोमोसोम्स पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज एक्स एक्स, दैट इज़ द मेल इज़ एक्स वाई। तो आपको पहले से पता है कि क्रोमोसोम जो पैटर्न होता है सेक्स क्रोमोसोम, वो फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में होता है वो एक्स वाई होता है। देयर फॉर ऑल द हेप्लॉइड गैमेट्स ओवा प्रोड्यूस बाई द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम एक्स, वेयर एज इन द फीमेल गैमेट्स स्पर्म द एक्स सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर एक्स वाई। तो इसमें जो जितने भी ओवम होंगे वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही कैरी करेंगे, लेकिन जो मेल का जो स्पर्म होता है वो आधे जो स्पर्म होंगे वो एक्स क्रोमोसोम को रखेंगे और आधे जो स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम को रखते हैं। मतलब कि हैंस 50% ऑफ स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम विल द अदर 50% कैरी द वाई। तो वही है कि ये जो स्पर्म होता है जो 50% होता है वो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेगा, और जो 50% स्पर्म होता है वो वाई क्रोमोसोम को कैरी करता है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स द जैगोट वुड कैरी आइदर एक्स 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 वाई डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स वाई फर्टिलाइज द ओवम। तो आगे फ्यूज़न के बाद जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स का जैगोट होगा, जायगोट जो बनाएगा वो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई पे डिपेंड करता है कि जो स्पर्म आया है वो एक्स लेके आया है या फिर वाई वाले स्पर्म है, कौन सा जो स्पर्म है वो आगे फ्यूज़ किया है। ठीक, आगे देखते हैं। द जायगोट कैरिंग एक्स एक्स वुड बी डेवलप इनटू द फीमेल बेबी एंड एक्स वाई वुड फॉर्म ए मेल। तो ये आपको पता है कि इसमें जो जायगोट अगर वो एक्स एक्स कैरी करता है तो वो फीमेल बेबी होगा, अगर एक्स वाई कैरी करता है तो मेल होगा। यू विल लर्न अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न इन चैप्टर 5। तो जो ये क्रोमोसोमल पैटर्न है उसको अच्छे से आपको चैप्टर 5 में बताएंगे। दैट इज़ वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू सेट दैट द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड बाई द फादर एंड नॉट बाई द मदर। तो ये साइंटिफिकली करेक्ट है कि जो बेबी का जो सेक्स डिटरमाइंड है वो फादर के थ्रू होता है ना कि मदर के थ्रू। तो सेक्स डिटरमिनेशन के थ्रू जो फादर होता है वही क्या करता है, ये सेक्स डिटरमाइन करता है। आगे अब यहाँ तक हो गया फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस। अब आगे हम देखेंगे कि किस टाइप से जायगोट बनने के बाद वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में देखेंगे तो ये ओवरी है और ओवरी से स्पर्म निकला और यहाँ से जो सॉरी ओवरी से ओवम निकला और यहाँ से स्पर्म वो इंटर करते करते ये फेलोपियन ट्यूब है यहाँ के फर्टिलाइज का, यहाँ से देखिए फर्टिलाइज का। फर्टिलाइज होने के बाद फिर क्या बनाएगा, ये जायगोट बनाएगा। ठीक है, फिर जायगोट क्या करता है, रिपेडली वो क्या होगा, वो डिवीज़न होगा। तो यहाँ देखिए, द माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट एट द जायगोट मूव थ्रू द स्थेमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टू टूवर्ड द यूटेरस एंड फॉर्म 2 4 8 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर।
तो जो जायगोट होता है उसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा और वो स्थमस के साइड आएगा, मतलब इधर जो और पार्ट होता है ओविडक्टा के आगे उस पार्ट पे आएगा और वो मूव होते हुए आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलेंगे। और यही यूटेरस की ओर क्या होगा, बढ़ेगा और जो जायगोट है वो वन क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, तो वो एक से सेल से दो बनाएगा, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे डॉटर सेल बनाएगा। और ये सभी जो डॉटर सेल यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेर बोलते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो, और इसके आगे द एम्ब्रियो विथ 8 to 16, तो आगे इसमें से 8 बनते जाएगा, 16 बनते जाएगा, उस आगे ये प्रोसेस क्या होगा, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर 8 और 16 जब एम्ब्रियो में यह कन्वर्ट हो जाता है, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मैरूला बोलते हैं, ठीक है। तो वो ब्लास्टोमियर जो आपको सेल दिख रहा था, अगर वो 8 या 16 जब हो जाता है, उस टाइम उसको क्या बोलेंगे, मैरूला बोलेंगे। द मैरूला कंटिन्यूस टू द डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इंटू ब्लास्टोसिट्स, और ये मैरूला है वो कंटिन्यू क्या होता है, डिवाइड होता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, ब्लास्टोसिट्स में। ये जो प्रोसेस है भी एक बार डायग्राम में देखेंगे लास्ट में, तो लास्ट तक देखिए। एज इट्स मूव फर्दर इनटू द यूटेरस, और ब्लास्टोसिट्स में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो मूव करेगा और यूटेरस में वो चले जाएगा। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिट्स आर अरेंज्ड इनटू इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। अब ब्लास्टोमियर है जो ब्लास्टोसिट्स में बन गया है, वो एक लेयर, आउटर लेयर अरेंज करेगा, और उस आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। एन इनर ग्रुप्स ऑफ द सेल अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट इज कॉल्ड इनर सेल मास। और ट्रोपोब्लास्ट के अंदर कुछ सेल का ग्रुप होता है जो ट्रोपोब्लास्ट से अटैच होता है, उसको इनर सेल मास बोलते हैं। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। अब अंदर का जो सेल होता है उसको इनर सेल मास बोले हैं, और बाहर का जो सेल होता है उसको ट्रोपोब्लास्ट बोले हैं। तो वो एंडोमेट्रियम जो पार्ट होता है, यूटेरस का मेन पार्ट होता है, जहाँ से एम्ब्रियो आगे 9 मंथ तक उसी से अटैच होकर ग्रो डेवलपमेंट होगा, उससे जाकर अटैच करेगा। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रिपेडली एंड कवर द ब्लास्टोसिट्स। अब ब्लास्टोसिट्स जो अंदर गया है ना, ट्रोपोब्लास्ट से खुद कवर हुआ है, अंदर में इनर सेल मास है, उस ब्लास्टोसिट्स को क्या करेगा, इसमें जो यूटेराइन सेल होता है वो रिपीटली डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा कि अच्छे से वो प्रोटेक्ट कर सके, उसको अच्छे से डेवलपमेंट कर सके। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिट्स बिकम इम्बर्डेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। अब आगे जो ब्लास्टोसिट्स अंदर गया है, वो अच्छे से डेवलपमेंट होने के लिए, उसको जो एम्ब्रियो है ना, जो फीटस में कन्वर्ट होगा, तो उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलने के लिए, सब चीज़ के लिए वो ब्लास्टोसिट्स होता है, वो इम्बंडेड होता है, मतलब धंस जाता है किसमें, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस में। यूटेरस के एक अंदर में एक जो लेयर होता है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो जाके उस पर धंस जाता है, और इसी पूरे कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड इट्स लीड्स टू प्रेगनेंसी। और इसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ये प्रेगनेंसी को क्या करता है, लीड करता है, मतलब इम्प्लीमेंट हो गया तो समझिए कि प्रेगनेंसी कंप्लीट प्रोसेस हो गया है। अब यहाँ से डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये डायग्राम में देखिए, यहाँ से ओवरी से ओवम निकला है ना, इधर वेजाइना से सर्विक्स से यूटेरस से होते हुए स्पर्म आया, दोनों फ्यूज़ होगा, जायगोट बनेंगे, जायगोट बनने के बाद फिर वो इसमें डिवाइड होगा, जो डिप्लॉयड जायगोट था वो 2, 4, 8, 16 ऐसे डिवाइड होते जाएगा, जब 8 और 16 के बीच में जब ये, और हाँ, इसमें जो सेल बने उसको ब्लास्टोमियर बोलेंगे, और इस समय जब 8 16 जब हो जा रहता है तो उसको मरूला बोलते हैं, और मरूला है आगे डेवलप होते होते क्या बनाएगा, वो ब्लास्टोसिट्स बनाएगा, और ब्लास्टोसिट्स जब बनेगा तो इसमें एक लेयर बनाया आपको दिख रहा होगा, उसको ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे, और अंदर में जो सेल बनते हैं उसको इनर सेल मास बोलेंगे, और आगे ये डेवलप हो के यहाँ पास आपको दिख रहा होगा यूटेरस में क्या होगा, ये इम्प्लांट हो जाएगा, और यूटेरस के एंडोमेट्रियम में जाके क्या हो जाता है, वो अटैच होकर इम्प्लांटमेंट इम्प्लांटेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी को लेट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छे समझ आया, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, देन लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।